हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक आउट नॉलेज। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए देखेंगे कैसे कोड ब्लॉक्स आईडी को डाउनलोड और इंस्टॉलेशन किया जाता है। लेकिन ये आईडी क्या होता है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है कोडिंग करने के लिए, वो भी हम लोग इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल साइट्स में भी हूँ। आप चाहो तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईडी का क्या जरूरत है, क्यों हम लोग कोडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दैट व्हाट इज आईडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडी, कितने तरह का आईडी होता है, एंड हाउ टू सेट अप कोड ब्लॉक्स आईडी, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको सेटअप किया जाता है, वो सारा चीज मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो व्हाट डू वी रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग, तो कोडिंग करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग को जरूरत होती है। एडिटर, जो सोर्स कोड आप लिखते हो, जो कोडिंग आप करते हो, जो प्रोग्रामिंग आप लिखोगे, वो एडिटर में लिखा जाता है, उसके लिए एडिटर की जरूरत पड़ती है। और सोर्स कोड लिखने के बाद हमको कंपाइलर करने की जरूरत पड़ती है, उसका रीजन आपको पता ही होगा मेरे पिछले वीडियोस में कि कंपाइलर की जरूरत किस लिए पड़ती है। सोर्स कोड लिखने के बाद कंपाइलर में जाके कंपाइलर की जरूरत पड़ती है कंपाइल करने के लिए लैंग्वेज को। उसके बाद प्रोग्राम में कोई भी एरर है कि नहीं, तो इसके लिए डिबगर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर कोई एरर नहीं रहता है तो ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और आपको आउटपुट शो कर देता है। लेकिन एक कोडिंग करने के लिए आप देखिए यहाँ पे इतना कुछ जरूरत पड़ता है, तो ये आप थोड़ी ऐसे एक एक करके इंस्टॉल करोगे, तो ये सारा चीज एक ही जगह पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईडी। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको आईडी में मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग कोडिंग करने के लिए आईडी इंस्टॉल करते हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आईडी होता है, कितने तरह का आईडी होता है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडी फॉर सी एंड सी प्लस प्लस, जैसे कि आप देखिए पहले इक्लिप्स है। इक्लिप्स में आप सी और सी प्लस प्लस कर सकते हो, लेकिन इक्लिप्स मेनली पॉपुलर है जावा प्रोग्रामिंग के लिए। और यहाँ पे है कोड ब्लॉक्स, जो कि एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको हम रन कर सकते हैं। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ऐसे अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका, उसमें आप कर सकते हो ये चीज। तो ये ओपन सोर्स हो गया, मतलब कोड ब्लॉक्स वहां पे आप इंस्टॉल करके अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हो। नेटबीन्स हो गया, उसके बाद कोड लाइट, क्यूटी ऑपरेटर, देव सी प्लस प्लस, तो ये सारा कुछ है। जैसे कि ये ओपन सोर्स है, बहुत कम आईडीज में होती है अवेलेबल, दैट वो ओपन सोर्स है, इसीलिए हम लोग कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे कोडिंग करने के लिए। तो आज हम लोग कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन कर लूंगी, जिसके सर्च इंजन पे जाके हम लोग टाइप करेंगे कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स टाइप करने के बाद अगर आप एंटर करते हो तो आप देखोगे फर्स्ट जो लिंक आता है www.codeblocks.org, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात में बोली थी, एंड इट इज ऑल्सो फ्री। तो आप उसके बाद आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाके डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस की आप यहाँ पे लिंक आपको शो करेगा, जैसे विंडोज का यहाँ पे है, लिनक्स का अगर आप यूज करते हो ओएस तो यहाँ पे लिंक है, और मैक का ओएस अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे लिंक है। तो मेरा विंडोज है और मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करूंगी, MinGW सेटअप sourceforge.net पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये शो करता है दैट योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और यहाँ पे आपको सेव फाइल पे क्लिक करना है। सेव फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद जो पॉपअप विंडो आएगा आप उसको नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद आई एग्री, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल कीजिए। जो भी आपको इंस्टॉल लोकेशन दिखा रहा है वहाँ पर इंस्टॉल कीजिए।
यहाँ पे देखिए कोड ब्लॉक्स का ऑलरेडी आइकॉन आ चुका है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। इसी दौरान मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को सीक्वेंस मेंटेन करके ज़रूर देखिए प्लीज़, तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और एक पॉपअप विंडो आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ, तो येस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर फिनिश। ओके उसके बाद देखिए कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया है। वेट अ मिनट, यहाँ पे जो पॉपअप विंडो आ रहा है ये काफी लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये प्रॉब्लम शो कर रहा है तो उसका सोल्यूशन देखने के लिए वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है। आप न्यू में जाइए, न्यू फाइल, या फिर फाइल में जाके न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एम्प्टी फाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, ये सारा चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों हम लोग ये चीज़ प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, तो ये सारा चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ज़रूर सीक्वेंस मेंटेन करके वीडियोस देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रोग्राम में रन करके दिखा रही हूँ इंस्टॉल करने के बाद। ये मेरा नाम प्रिंट करेगा, दैट माई नेम इज स्नेहा। ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं वो शो करने के लिए मैं सेव करके रन कर रही हूँ, बिल्ड और रन। देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट शो करेगा, यस मेरा आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है, माई नेम इज स्नेहा। तो कोड ब्लॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो इस वीडियो के जरिए आप लोग सीखे हो, तो जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और प्रोग्राम करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।